सोशल मीडिया पर कावड़ियों के हुड़दंग के ये वीडियोस वायरल हो रहे हैं। कार पर चढ़े कावड़िये, गाड़ी में तोड़फोड़, ढाबे में हुड़दंग मचाते और मारपीट करते कावड़िये। इन सब के बीच वहां पुलिस भी मौजूद दिखती है, लेकिन वर्दीधारी यहां बेबस हैं। प्रचलित भाषा में कहे तो पुलिस हालात पर नजर बनाए हुए है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ भागदौड़ करते दिखती है। ये घटना उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की है। छप्पर थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 58 में कावड़ियों ने एक गाड़ी में जमकर तोड़फोड़ की है। इतना ही नहीं, जब कार का ड्राइवर बचने के लिए ढाबे की तरफ भागा तो कावड़ियों ने वहां घुसकर उसके साथ मारपीट की। बताया जा रहा है कि यात्रा के दौरान कावड़ियों ने कार की टक्कर लगने से कावड़ खंडित होने का आरोप लगाया था। उसके बाद कार के ऊपर चढ़कर तोड़फोड़ की और हंगामा किया। गाड़ी में तोड़फोड़ का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दिखाई दे रहा है कि लोग लातों से कार की छत पर चढ़कर उसमें तोड़फोड़ कर रहे हैं, जिससे कार की बॉडी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। इस घटना की सूचना पर सीओ सदर राजू कुमार साहू ने पुलिस फोर्स के साथ पहुंचकर मामला शांत कराया। राजू कुमार साहू ने घटना के बारे में भी बताया है। थाना छपार पुलिस को भी थोड़ी देर पहले सूचना प्राप्त हुई कि कावड़ियों का एक समूह चल रहा था, कावड़ खंडित होने की बात पर उनके द्वारा एक चरपहिया वाहन को रोककर उसके साथ तोड़फोड़ की गई है। इस सूचना पर तत्काल थाना छपार पुलिस मौके पर पहुंची, कावड़ियों से वार्ता किया गया। वार्ता क्रम में कहीं भी कावड़ खंडित होने की पुष्टि नहीं हुई। संख्या के आधार पर जिस गाड़ी के साथ तोड़फोड़ की गई थी, पुलिस उस गाड़ी को कब्जे में ले ली है और उस गाड़ी के वाहन चालक और बैठे लोगों का पता कराया जा रहा है। घटनाक्रम यहाँ ढाबे के पास सीसीटीवी लगी है, डीवीआर से पूरा सीसीटीवी फुटेज लिया जा रहा है। मौके पर कानून व्यवस्था सामान्य है, हाईवे चल रहा है और यहाँ कोई समस्या नहीं। वहीं घटना का वीडियो शेयर करते हुए समाजवादी पार्टी प्रवक्ता मनोज काका ने योगी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, देवाधिदेव के भक्त कभी अराजक नहीं हो सकते हैं, पर कावड़ के नाम पर कुछ भी करना भक्ति नहीं है। मुजफ्फरनगर, कलेजा कांप जाएगा। कावड़ियों ने कल रात तांडव किया, कार तोड़ी, मदद के लिए भागे कार सवारों को ढाबे से खींच कर मारा, पैरों से कुचला। ये सब हुआ पुलिस की आंखों के सामने। नेमप्लेट लगवाने वाले पुलिस कानून हाथ में लेने वालों पर मेहरबान है। इस घटना में कावड़ खंडित नहीं हुई। टाइम्स नाउ द भारत डिजिटल की रिपोर्ट।